आज मैं आपको आपके लिए लेके आया हूँ ईद स्पेशल। ईद पे आप ये डेजर्ट बनाए, मैं स्ट्रॉबेरी का डेजर्ट बना रहा हूँ। बहुत ही जबरदस्त मजेदार है, बच्चों बड़ों सबको पसंद आएगा। चलते अपने रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है। इस बाउल में मैंने एक कप लूंगा व्हिपिंग क्रीम, वो इसमें जाएगी। व्हिपिंग क्रीम की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आधा कप जो है ये मैंने लिया है कंडेंस मिल्क, ये इसके अंदर जाएगा। वनीला एसेंस जाएगा थोड़ा सा, बिल्कुल 5-6 कतरे। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगा अच्छी से। ये बहुत आसान है, बहुत झटपट जल्दी से बन जाती है। ये स्ट्रॉबेरी क्रीम हमने फेंट लिया है, ये मैंने स्ट्रॉबेरी काट के रख ली थी, ये इसमें जाएगी। ये बचा लेंगे साबुत गार्निशिंग के लिए। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। अब इसको हम एक बॉल पे निकाल लेंगे, इसको हम फ्रिज में रख देते हैं आधा एक घंटे के लिए। जब तक ये ठंडी होती है हम गार्निशिंग की स्ट्रॉबेरी काट लेते हैं। हमारी स्ट्रॉबेरी ठंडी हो चुकी है, अब हम अपने गिलासों में निकालते हैं, गार्निशिंग करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी डालेंगे गिलासों में, फिर अब ये क्रीम हम इसमें डालेंगे। ये हमारी स्ट्रॉबेरी क्रीम बनके रेडी हो चुकी है। हमारा स्ट्रॉबेरी डेजर्ट बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आया है, बहुत ही खुशबूदार जायकेदार डेजर्ट बनाई है। रमज़ान में रोज़दारों को खिलाएं अफ्तारी के वक्त, और आम रूटीन में भी बच्चों को बना के दें, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का सीज़न है। फिर स्ट्रॉबेरी का सीज़न चले जाएगा, फिर एक साल के बाद आएगी। स्ट्रॉबेरी से जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लें। इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है स्ट्रॉबेरी का, और वाइटामिन सी से भरपूर होती है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो कॉमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यानी कि घंटे के बटन को दबा दीजिएगा। मैं कहता हूँ खाते पीते रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।